अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं कर रही हूँ एक बस का सफ़र और दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बस वुमेन ड्राइव कर रही थी, लेकिन मैं बना नहीं सकी कि अलाउ नहीं होता बनाना। और आज मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं आपको अपने हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, जहाँ पे ये हमारे शहर का बिग हॉस्पिटल है। यहाँ मेरा ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं, इसलिए 2 महीने बाद मैं रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ। पहले साल वो जल्दी जल्दी बुलाते थे, पहले 1 वीक के बाद, उसके बाद 1 महीने के बाद, और अब ये 2 साल होने के बाद मुझे 2 महीने के बाद बुलाया जाता है वहाँ पे। और मेरा वहाँ पे पूरा उंटरजुखुंग होता है। उंटरजुखुंग कहते हैं चेकअप को। सबसे पहले हम फाइल वहाँ देते हैं, उसके बाद वेट के लिए हम बैठते हैं, थोड़ी देर बाद हमें कॉल किया जाता है और ब्लड देने के लिए ले जाते हैं अंदर। ब्लड देने के बाद आज मेरा उधर अल्ट्रासाउंड भी था। यहाँ से मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के निकली हूँ। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मुझे नीचे वाले फ्लोर पे जाना था, जो बेसमेंट में है, -2 पे। ये मेरा 3rd फ्लोर पे अल्ट्रासाउंड हुआ था। और फिर सबसे नीचे मैं गई हूँ, वहाँ जाके मैंने अपना एक्सरे करवाना था। ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन सब बनी हुई है, ये पूरा हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरा एक्सरे हुआ था और उसके बाद फिर मैं दोबारा ऊपर आई अपने डॉक्टर के रूम के बाद, क्योंकि तकरीबन 2-3 आवर के बाद मेरी रिपोर्ट आ जाती है, जो भी मेरे टेस्ट वगैरह होते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर के रूम में बैठ के हमारी आपस में बात होती है, डॉक्टर पूरा क्लियर करती है रिपोर्ट के बारे में। और बहुत ही जल्दी जल्दी मेरे ये सारे काम हो गए आज, क्योंकि मैं सुबह ही सुबह चली गई थी। ये तकरीबन 7:30 में मुझे घर से निकलना होता है। हस्बैंड मेरे काम पे थे, बेटा मेरा चला गया था, इसलिए मैं अकेली अब ये इस चेकअप के लिए आती हूँ। पहले बस का सफ़र करती हूँ, अब ये मेरी वापसी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जल्दी जल्दी सारे काम हो गए, ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ा। और फिर आधा सफ़र बस में था और आधा ट्रेन में किया। और मैं तकरीबन 12 आवर से पहले पहले घर पहुंच गई। 12 आवर कहना था, 12 आवर कह दिया। जर्मन बोलती हूँ, जर्मन में अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं इंग्लिश की बजाय। तो ये मैं जब उतरी अपने स्टेशन पे, तो बच्चों की पास ही स्कूल है और बच्चों की आज क्लास थी, वो साइकिलिंग कर रहे थे। 4th क्लास में उन्हें साइकिलिंग सिखाई जाती है। और बाहर हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, आज सारा दिन उन्होंने बारिश वाला बताया था। बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने घर आ गई थी। घर आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कपड़े चेंज करने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ। क्लीनिंग मैं एक दिन पहले कर ली थी मैंने, क्योंकि मुझे सुबह निकलना होता है जब मैंने चेकअप के लिए जाना हो, तो जल्दी में मैंने सोचा कि मैं चिकन निकाल के उसकी कढ़ाई सी बना लेती हूँ। और हस्बैंड मेरे आ जाएंगे तकरीबन 3 बजे तक, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले मैंने सालन बना लिया। ये झटपट ही बन जाती है। मैं चिकन हमेशा ला के उसको पीसीज में काट के साफ करके पैकेट बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि निकालें और आसानी से पका लें, फिर उनको ज़्यादा लंबा धोने की ज़रूरत नहीं होती। और ये झटपट मैंने कढ़ाई का सालन बना लिया। इसके बाद टर्किश फ्लाडन रोट ले आई थी और फिर उसके साथ हमने ये खाना खा लिया। शुरू में मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही जाया करते थे हॉस्पिटल मेरे चेकअप के लिए, लेकिन अब चूंकि मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ, इसलिए फिर उन्हें काम पे जाना होता है, तो मैं फिर अकेले अपने ये सारे काम कर लेती हूँ। और शुक्र है मेरी रिपोर्ट्स भी बड़ी सारी बहुत अच्छी थी, डॉक्टर मेरे साथ डिस्कस कर रही थी।
कि मेरा जो किडनी है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के यही सिस्टम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अकेले जाके कहीं भी जाके अपने सारे काम करवा लेती हैं इजीली। ये नेक्स्ट डे है और मैं कुछ गिफ्ट पैक करने लगी हूँ। कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ जूसेस की बॉटल्स हैं और ऑटम का सीज़न है इसलिए ऑटम के बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस आए हुए हैं, ट्रेंडिंग है इधर। मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना है अपने उन डॉक्टर से मिलने के लिए कि जिन्होंने 7 साल तक मेरे डायलिसिस किए हैं। वो इसी महीने के एंड में पता चला था कि वो पेंशन पे जा रहे हैं और जिस जिस पेशेंट में मिलना था वो जा रहे थे उन्हें मिलने के लिए, तो इसलिए मैंने भी टाइम लिया था उनके साथ और मैं अपने हस्बैंड के साथ उन्हें मिलने के लिए जा रही थी। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं या किसी भी जगह पे आप जाते हैं उनसे जो रिलेटेड लोग होते हैं, वो अपने प्रोफेशन के साथ इतने फेथफुल होके काम करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये है मेरा वो सेंट्रम डायलिसिस जहाँ पे मैं करवाने आती थी, इसे डायलिसिस सेंट्रम कहते हैं। तकरीबन हाफ आवर के बाद हम वहाँ से निकले और मेरा डॉक्टर बहुत खुश था मुझे देख के। उसके बाद हमने वापसी का सफ़र किया। ये था मेरा आज का व्लॉग, देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।